अमेरिकी वैज्ञानिकों को धरती से करीब 4 अरब मील दूर स्थित अल्टीमा थुले की सतह पर पानी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अल्टीमा थुले की पहले हाई प्रोफाइल अपने साइंस जर्नल में प्रकाशित किया है, जिसमें इसकी सतह पर पानी की जमी बर्फ, मेथेनॉल और कार्बनिक अणुओं के मिश्रण की मौजूदगी पाई गई है। अल्टीमा थुले इंसान की तरफ से खोजी गई आज तक की सबसे दूरी की सतह है। कुइपर बेल्ट यानी अंतरिक्ष के एक दूरस्थ हिस्से में ऑब्जेक्ट 2014 MU69 नामक पिंड को अल्टीमा थुले नाम दिया गया है। नासा के न्यू होरिजन्स अंतरिक्ष यान ने 2019 में नए साल के मौके पर उड़ान के दौरान इस पिंड का डेटा इकट्ठा किया था, जिसके पहले सेट का विश्लेषण करने के बाद अंतरिक्ष की जटिल दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी मिली है। इस सेट के विश्लेषण से अल्टीमा थुले के विकास, भूविज्ञान और रचना के बारे में बहुत कुछ खुलासा हुआ है। इनमें इसकी सतह पर खास निशान, पहाड़नुमा आकृतियां और ज्वालामुखी के विस्फोट से बनने वाले गड्ढे भी शामिल हैं। इस पिंड की सतह कुइपर बेल्ट के अन्य पिंडों की तरह ही गहरी लाल है। इसका कारण सतह पर कार्बनिक तत्वों की ज्यादा मौजूदगी को माना जा रहा है। शोधकर्ता अल्टीमा थुले की सतह की विशेषताओं का भी अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट से बनने वाले गड्ढे जैसा ही एक निशान मिला है, जो करीब 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसे मैरीलैंड क्रेटर का नाम दिया गया और माना जा रहा है कि ये इसकी सतह पर किसी बड़े पिंड के टकराने से बना है। अल्टीमा थुले का डेटा देने वाला नासा के अंतरिक्ष यान न्यू होरिजन्स का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। पृथ्वी से करीब 6.6 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका ये यान अभी कुइपर बेल्ट से नया डेटा भेज रहा है। नासा के मुताबिक यान का संचालन सामान्य है और वो कुइपर बेल्ट में करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है।